हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बिग मल्टी बैगर स्टॉक बताऊंगा जो आने वाले समय में निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है। आप चाहो तो इस कंपनी में मंथली SIP भी कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। जो करना भाई करो, लेकिन आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाओ क्योंकि एक वेल्थ क्रिएटेड स्टॉक है। इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा। आप अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन भी दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं इसका हाफ वेली रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजिशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता करें, कंपनी के धंधे के बारे में पता करें। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, उनकी प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छी रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। आप लोग अपने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल के आधार पर किसी कंपनी को जगह दो, वरना आप लोग लंबे समय तक पैसा नहीं बना पाओगे भाई। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 17 में था, वो 563.98 था। मार्च 17 में 563.98 था और मार्च 19 में देख लो भाई 779.29 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है हाफ ईयरली। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो टोटल इनकम था वो 565.86 था, मार्च 17 में 565.86 था और मार्च 19 में देख लो 793.57 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है हाफ ईयरली, 565 से 793 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहां पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 472.49 था, मार्च 17 में 472.49 था और मार्च 19 में देख लो 691.88 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हाफ ईयरली, 472 से 691 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो एबिटा था वो 474.37 था, मार्च 17 में और मार्च 19 में देख लो 706.16 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा इसका एबिटा है हाफ ईयरली, 474 से 706 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 399.96 था, मार्च 17 में 399.96 था और मार्च 19 में देख लो 466.87 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है हाफ ईयरली, 399 से 466 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। मार्च 17 में जो पैट था वो 399.96 था, मार्च 17 में और मार्च 19 में देख लो 466.87 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ ईयरली रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ। पहले आप हाफ ईयरली रिजल्ट देख रहे थे तो देखो, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 740.35 था, मार्च 15 में 740.35 था और मार्च 19 में देख लो 1691.42 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 740 से 1691 हो चुका है भाई। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो टोटल इनकम था वो 742.44 था, मार्च 15 में 742.44 था और मार्च 19 में देख लो भाई
705.72 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज 742 से 1705 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 702.64 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1624.13 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 702 से 1624 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 704.73 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1638.43 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 704 से 1638 हो चुका है भाई। तो मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा बहुत ही अच्छा दिख रहा है ईयर टू ईयर वाइज। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 585.32 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1049.26 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बड़ा इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज। रिपोर्टेड पैट देख लो भाई, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पैट था वो 585.32 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1049.26 हो चुका है। तो ये भी शानदार है रिपोर्टेड पैट भी। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 13.11 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 23.10 हो चुका है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में पैसा लगाइए, ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, आपका इसमें पैसा भी सुरक्षित रहेगा। आईसीआईसी लोमार्ट का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है भाई वो आईसीआईसी ग्रुप की कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस का इनका बिजनेस है, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है भाई। मैं तो यही बोलना चाहूंगा आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ, ये एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है भाई, इसमें आपका पैसा सेफ रहेगा। इस कंपनी में ना तो एनपीए बढ़ने का खतरा है और ना ही एसेट क्वालिटी खराब होने का खतरा है। आप लोग पैसा लगाते जाइए, आपका पैसा छपता ही जाएगा। पहले भी मैं इस कंपनी पे कई बार वीडियो बना चुका हूँ, 650 रुपए से मैं वीडियो बनाते आ रहा हूँ, आप लोग को पता होगा ही। आईसीआईसी लोमार्ट का आपको मैं प्रोडक्ट दिखा दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गया, तो देख सकते हो ट्रेवल इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, आप इस कंपनी से घर का भी इंश्योरेंस करा सकते हो, मरीन इंश्योरेंस, और भी कई अदर प्रोडक्ट हैं जैसे बिजनेस इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, NRI इंश्योरेंस। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है भाई, आप लोग इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, इसमें आपका पैसा भी सेफ रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। SIP करते जाओ, आपका पैसा बनता ही जाएगा। आईसीआईसी लोमार्ट अब तक किस तरह से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का जो IPO आया था वो सितंबर 2017 में आया था, 661 रुपये के प्राइस पे आया था। तो देखो ये कंपनी 1 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया है, तो देखो 1 ईयर रिटर्न है 46.42% रिटर्न है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न है। सेंसेक्स का रिटर्न है 6.94% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट रिटर्न है 26.17% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 7.84% रिटर्न है। तो भैया ये कंपनी 2019 में अब तक 26% रिटर्न बना के दे चुका है। 1 मंथ में देख लो भाई, 1 मंथ में रिटर्न है -3.62% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.38% रिटर्न है। 1 वीक में देख लो, 1 वीक में रिटर्न है 3.37% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है 0.19% रिटर्न है। 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में रिटर्न है 3.90% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है -0.81% रिटर्न है। तो भैया आप लोग आईसीआईसी लोमार्ट में पैसा बनाओ, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है,
अगर आप 15, 20 साल, 30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो अभी से ही आप लोग ICICI Lombard में मंथली SIP करो। ICICI Lombard का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा भाई, तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 55.87% होल्डिंग है, FIS का जो होल्डिंग है ICICI Lombard में 13.24% होल्डिंग है। आने वाले समय में इस कंपनी में FIS की होल्डिंग और भी इंक्रीज हो सकती है। म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग है 5.94% होल्डिंग है, अदर डीए पर जो होल्डिंग है 2.01% होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है 22.94% होल्डिंग है। कोई भी शेयर ICICI Lombard का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। ICICI बैंक लिमिटेड के पास जो होल्डिंग है 55.87% होल्डिंग है, वैल्यूएशन भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो भैया यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं शो कर रहा है तो मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। ICICI Lombard का 52 वीक हाई है वो 1264.50, 52 वीक लो है 703.40। सेंटीमीटर की बात करूं तो 87% बोल रहे हैं बाई कीजिए, 13% बोल रहे हैं सेल कीजिए। मार्केट कैप देख लो भाई, अच्छा खासा ICICI Lombard का मार्केट कैप है, 49,000 का मार्केट कैप है। पी जो है ICICI Lombard का 47.30 का पी है, इंडस्ट्री जो पी है भाई वो 42.92 का, तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले ICICI Lombard का पी हाई है। बुक वैल्यू जो है ICICI Lombard का वो 118.84 का बुक वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर देख लो, बहुत ही बढ़िया इसका अर्निंग पर शेयर है, 23.09 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 10 का है। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेसना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। धन्यवाद।